टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी स्टॉक अगेन वही एक वाला स्टॉक है कि ये मेरे ख्याल से ये काफी ओवर वैल्यू स्टॉक है। अगेन जिनके पास रहेगा एक ही सलाह रहेगी, बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। नई अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फंडा इसको देखते हैं कि ये स्टॉक ना काफी ओवर वैल्यूड है। अभी वो पता नहीं क्योंकि फंडामेंटल ये बहुत ज्यादा पीई के ऊपर ऊपर है। अगर जिनके पास रहेगा ना उनको बस वही देखना है क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन इनको एक लेवल अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि जब भी करेक्शन आएगा वहां पे एक बार के स्टॉक पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है जब भी वो करेक्शन ट्रिगर होगा तो। क्योंकि लेकिन अगर कोई नए अपॉर्चुनिटी की देख रहे हैं तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड है और पी मल्टीपल्स पे काफी आगे चल रहा है। तो वहां पे बस वही सबसे बड़ा इसके ऊपर जो है वो पता नहीं कि इस पर करेक्शन कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा तब जिनके पास रहेगा वो एग्जिट का अपॉर्चुनिटी रहेगा और नई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक में टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। जी ठीक है, तो नई अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर नई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सर एक्यूमुलेशन की भी नहीं होगी। अगर मेरे पास पहले से है तो मैं और ना ऐड करूं। नहीं और ऐड करना थोड़ा सा आपके लिए, आप देख ले तो आपका एवरेज क्या बेटर है उसके ऊपर है। हर एक का बाइंग प्राइस अलग रहेगी तो उसके हिसाब से आपको देखना है क्योंकि करेक्शन कोई हुए नहीं, लेकिन आपको एक ही चीज के ऊपर देखना है कि आप उसका पीए रेशियो चेक कीजिए, वो काफी बहुत ओवर वैल्यूड हो लेकिन सकता है जब तक। इतना ही डिफरेंस होगा, 9160 का हाई है। अगर मैंने बिल्कुल भी ऊपर खरीदा होगा, 9000 9100 पे भी खरीदा हो। 9160 का हाई है तो मैं कहना चाहूंगा कि अगेन जैसे मैंने वापस से कहा कि स्टॉक काफी अच्छा है लेकिन ओवर वैल्यू इतना ज्यादा हो चुका है कि अभी इसके ऊपर कोई व्यू लेना सही नहीं होगा। बस जी, हाँ और इसका व्यू मैं है सर वो कह रहा था कि रोहन सर की एवरेजिंग में तो क्या डिफरेंस होगा, 200 रुपए ऊपर है, मतलब 8000 9000 का शेयर है, 9000 का शेयर है, 9000 के शेयर में अगर 200 रुपए, अगर मैं मान लूं कि मैंने सबसे ऊपर भी खरीदा था, 9150 पे भी खरीदा था, तो भी यहाँ पे अब 200 रुपए नीचे अगर मैं और खरीदता हूँ तो क्या तो एवरेजिंग में फर्क पड़ेगा और कितना ही होगा। और ओवरऑल में जो आपका व्यू है, जब वो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कम ही इसमें इन्वेस्ट रखा जाए अब, और बल्कि प्रॉफिट बुकिंग करा जाए तो वो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा क्योंकि क्या काफी ओवर वैल्यूड है ना, क्योंकि अर्निंग्स पे काफी भाग चुका है और इतना भाग चुका है कि वहां पे कोई फंडामेंटली तो ये काफी एक्सपेंसिव स्टॉक फंडामेंटल के कंपनी का कहते कि काफी एक्सपेंसिव स्टॉक बन चुका है तो वहां पे एक रिस्क रहेगी। तो नया इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं है, आपके पास रहेगा आप देख लेना कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। एड ऑन डिप की भी सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि कोई करेक्शन है नहीं, कोई मैंने और वैल्यू भी है तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक कीजिए और वेट कीजिए जब भी करेक्शन होता है या जब भी इस पे वैल्यू डिस्कवरी होती है उसके हिसाब जी, से। अनचार्टेड टेरिटरी है, बहुत सारा कुछ ओवर वैल्यूड है, तो बहुत सारे चीजों के हिसाब से या तो प्रॉफिट बुकिंग, या अगर मैं और ऐड करूं तो वही है लेकिन कैप अगर आप मैं एग्रीमेंट। इसमें सिंपल राय देना चाहूंगा, आप इसी को टीसीएस से कंपेयर कीजिए। अभी जैसे ये टाटा एलेक्सी मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इसमें है, तो अगर दोनों की आपने अर्निंग देखी तो टीसीएस की अर्निंग काफी अच्छी है कंपेयर टू, जी तो आपको समझ में आएगा कि मैं वो ओवर वैल्यू पर क्यों कह रहा हूँ। इसी ग्रुप की कंपनी है टीसीएस, तो टीसीएस परफेक्ट है ये रेट के ऊपर, उतनी ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है लेकिन ये ज्यादा ओवर वैल्यू बन चुकी है अपनी अर्निंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये राय है टाटा एलेक्सी का।